हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, काफ़ी दिनों से आप सभी को इंतज़ार भी होगा इस टेस्ट का, जो कि प्राइजफुल इवेंट टेस्ट, जिसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। मतलब इस टेस्ट में होंगे टोटल 50 क्वेश्चंस, जिनके आपको आंसर देने हैं और आप जीत सकते हैं इनाम कैश प्राइज। मतलब जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस राइट होंगे वो फर्स्ट विनर होगा, जो सेकंड नंबर पे होगा वो सेकंड विनर, थर्ड नंबर पे होगा वो थर्ड विनर। मतलब टॉप 3 लोगों को इनाम दिया जाएगा जिसके सही आंसर होंगे। ये देखिए, इस टाइप से होगा इसका प्राइज पूल। मतलब जो पहले नंबर पे रहेगा उसको 1100 रुपये का इनाम मिलेगा, फ़ोन पे गूगल पे जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। सेकंड प्राइज़ 811 रुपये का होगा और थर्ड प्राइज़ होगा 511 रुपये का। 50 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और कल शाम को 8 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप टर्म एंड कंडीशंस देख लीजिए इस टेस्ट की, मतलब इसमें क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं शेयर कर दीजिए, मतलब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक ही बार टाइप करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी कैंडिडेट प्रत्येक क्वेश्चन, जैसे मान लो एक नंबर क्वेश्चन, अगर आप 2 बार आंसर टाइप कर रहे हो, जैसे ए कर दिया बाद में बी कर दिया, तो वो आपका गलत माना जाएगा, काउंट नहीं होगा। हम आपके जितने भी कमेंट्स होंगे सारे कमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके हिसाब से आपका रिजल्ट बताएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, और आपको रिजल्ट डिक्लेयर के टाइम भी आना होगा। और सेकेंड आपको ध्यान रखना है, जिसके सबसे ज़्यादा सही होंगे वही विजेता होंगे, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉप 3 लोगों को इनाम राशि दी जाएगी और आप सभी के कमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। और उत्तर सिर्फ लाइव चैट बॉक्स में ही देने हैं। यहाँ पे देखिए, नीचे एक लाइव चैट बॉक्स बना रहा है इस टाइप से, उसके अंदर क्लिक कीजिए और वहाँ से आपको सिर्फ आंसर टाइप करने हैं वहाँ से। उसके बारे में आपको बता देता हूँ किस टाइप से करने हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, मतलब अगर आप ज़्यादा बार टाइप करते हो तो ये आपका रॉन्ग माना जाएगा, सीधा ए बी सी डी जो भी टाइप करोगे गलत माना जाएगा, इस टाइप से भी गलत माना जाएगा। आपको लिखना कैसे है, इस टाइप से लिखना है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन चल रहा है तो पहले का ये है, तो एक नंबर लगा के उसके बाद में ए लिखना है फटाफट से, ठीक है। और जैसे मान लो दूसरे का सी है तो 2 नंबर लगा के सी लिखना है, जैसे 10वें क्वेश्चन का ए है तो 10 नंबर लगा के ए लिखना है, इस टाइप से आपको लिखना है। और ज़्यादा स्पैमिंग नहीं करनी है कमेंट्स में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके अकाउंट को। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप सभी रेडी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, जो पहले क्वेश्चन से जुड़ेगा उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, वह 2 लीटर जिसकी आउटपुट आवृत्ति इनपुट वोल्टेज के आयाम पर निर्भर करती है, उसको क्या बोला जाता है या क्या कहलाती है? धारा नियंत्रित 2 लीटर, वोल्टता नियंत्रित 2 लीटर, या फेज लॉक 2 लीटर, या प्रतिरोध नियंत्रित 2 लीटर। जिसको भी इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में भी देख सकते हो। मतलब वह 2 लीटर जिसकी आउटपुट आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि इनपुट वोल्टेज के आयाम पर निर्भर करती है, इसका आंसर टाइप कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 2 नंबर। अब बात आती है, द ट्रांसफॉर्मर विच ट्रांसलेट द लाइनर मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज टर्म्ड एज। मतलब वह परिणामित्र यानी ट्रांसफॉर्मर जो रेखीय गति को विद्युतीय संकेतों में बदलता है क्या कहलाता है? RVDT, या तापांतर मापी, या LVDT, या थायरिस्टर। फटाफट आंसर टाइप कीजिए इस क्वेश्चन का। वह परिणामित्र जो रेखीय गति को विद्युतीय संकेतों में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? RVDT बोलते हैं, तापांतर, या LVDT, या थायरिस्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 3 नंबर। अब बताती है, ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का नियंत्रण कौन करता है? संग्राहक विभव, आधार धारा, उत्सर्जक आपूर्ति, या संग्राहक प्रतिरोध। ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का नियंत्रण करता है, संग्राहक विभव करता है, या आधार धारा करती है, या उत्सर्जक आपूर्ति करती है, या संग्राहक प्रतिरोध करता है। फटाफट से इसका आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में जरूर लगाना है आपको, उसके बाद में ही आपको आंसर टाइप करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 4 नंबर। अब बताती है, ट्रांजिस्टर का स्विचिंग डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है।
मतलब जो ट्रांजिस्टर होता है उसका स्विचिंग डिवाइस की तरह काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिक्सर प्रतिरोध की तरह है, ट्यूनिंग डिवाइस की तरह है, परिवर्तित प्रतिरोध की तरह है जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या रेक्टिफायर की तरह है। बताइए, ट्रांजिस्टर का स्विचिंग डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर। अब बात आती है फोटो डायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम होगा जबकि लघु उत्क्रम बायस में मौजूद है, या दीर्घ उत्क्रम बायस में मौजूद है, या लघु अगर बायस में मौजूद है, या बायस प्रवाह किए बिना लघु अगर धारा, मतलब आगे आने वाली धारा इसमें से प्रवाहित होती है, अग्रगामी धारा जिसको हम बोलते हैं। बताइए फोटो डायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम होगा कब होगा दोस्तों? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 6 नंबर। इसके आंसर बताइए कौन सा होगा। अब बात आती है टनल डायोड में टनलिंग की घटना किस व्यवहार पर आधारित होती है? लेंज के यांत्रिक व्यवहार पर, या क्वांटम यांत्रिक व्यवहार पर, या स्थिति ऊर्जा व्यवहार पर, या शिखर ऊर्जा के व्यवहार पर? आंसर टाइप करते जाइए फटाफट से। जब हम आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तब आपको ज़रूर बताएंगे कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या था, उसके बारे में समझाएंगे, और ये भी बताया जाएगा कौन सा स्टूडेंट कितनी पोजीशन पे रहा है। टनल डायोड में टनलिंग की घटना किसी व्यवहार पर आधारित होती है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। अब बात आती है वह युक्ति जो भौतिक राशि को विद्युतीय राशि में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? ये फेमस क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। परिणामित्र होता है, या डीसी मोटर, या ट्रांसड्यूसर, या युग्मक? वह युक्ति जो भौतिक राशि को विद्युतीय राशि में परिवर्तित करती है, या कन्वर्ट करती है, या बदलती है, तो उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है उसको? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों 8 नंबर। अब बात आती है एक विमान के चारों ओर वायु का प्रवाह नापने हेतु क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? पवन गति मापी, वेंचुरी मापी, या वीवर, या रोटामीटर में? एक विमान के चारों ओर वायु का जो प्रवाह होता है उसको नापने के लिए क्या चीज प्रयुक्त होती है? कमेंट में टाइप करते रहिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को साथ में। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 9 नंबर। एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से क्या होगी दोस्तों? द्वितीयक धारा में वृद्धि होगी, या द्वितीयक धारा में कमी होगी, या द्वितीयक धारा में कोई भी प्रभाव पैदा नहीं होगा, या प्राथमिक धारा में वृद्धि होगी? एक ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है तो उस पर, यानी तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से जो टर्न्स होते हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है एक श्रेणी आर एल सी परिपथ में सी का मान अवमूल्यित होता है तब अनुनाद आवृत्ति क्या होगी? घटेगी, या प्रभावित नहीं होगी, या बढ़ेगी, या कम होकर शून्य हो जाएगी? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। एक श्रेणी आर एल सी परिपथ में सी का मान अवमूल्यित है तो अनुनाद आवृत्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 11 नंबर। अब बात आती है एक श्रेणी आर एल सी परिपथ में जो अनुनाद आवृत्ति के ऊपर संचालित हो रहा है तो धारा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आरोपित विभव के पश्चगामी होगी, या अग्रगामी, या आरोपित विभव के साथ समान कला में होगी, या शून्य होगी? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। एक श्रेणी आर एल सी परिपथ में जो अनुनाद आवृत्ति के ऊपर संचालित हो रहा है तो धारा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वह आरोपित विभव के पश्चवर्ती होगी, या अग्रवर्ती जिसको अग्रगामी जिसको बोलते हैं, या आरोपित विभव के समान कला में होगी, या शून्य? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। अब बताती है जब संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ता है तो क्या होता है? धारिता बढ़ती है, या धारिता घटती है, या धारिता अप्रभावित रहती है, या इसके द्वारा रखा जाने वाला प्रतिरोध बढ़ता है? जब संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ता है तब धारिता बढ़ती है,
या धारिता घटती है, या धारिता अप्रभावित रहती है, या इसके द्वारा रखा जाने वाला प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है दोस्तों? प्लेट के मध्य अवरोधक, प्लेट का क्षेत्रफल या तुल्य पराविद्युतांक, या प्लेट्स के जो मध्य अवरोधक होते हैं, या प्लेट का क्षेत्रफल और तुल्य पराविद्युतांक, मतलब ये तीनों हो गए। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इनमें से। एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं या कौन सा होता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 14 नंबर। अब बात आती है, एक हाल प्रभाव में पिकअप का प्रयोग इसके मापन हेतु किया जाता है, प्रेशर या ताप परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स या सापेक्षिक आर्द्रता। बताइए कौन सा आंसर होगा। एक हाल प्रभाव में पिकअप का प्रयोग इसके मापन हेतु किया जाता है, प्रेशर, टेम्परेचर चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 15 नंबर, इसके आंसर होता है ये क्या होगा। अब बात आती है, एक चुंबक के भीतर मतलब चुंबक के अंदर की बात हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या रहती है उसके अंदर? दक्षिण से उत्तर की ओर, या उत्तर से दक्षिण, या पीछे से आगे, या आगे से पीछे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया ये। एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी दोस्तों? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है रंग 5 मतलब 5 नंबर रंग की बात हो रही है, कार्बन प्रतिरोधों का क्रम क्या होगा? 5 नंबर पे कौन सा आता है, ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज या ग्रे? बताइए रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधों का क्रम क्या होगा दोस्तों? 5 नंबर पे कौन सा आता है वो आपको आंसर टाइप करके बताना है, जल्दी से सोच के बताइए। 0 से शुरुआत होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों 17 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु क्या होगा? 420 डिग्री सेल्सियस के नीचे या उसके ऊपर, या 520 डिग्री सेल्सियस के नीचे, या 520 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। सोल्डरिंग में भराव धातु का जो गलन बिंदु होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या होता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 18 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, किसी भी मशीन में क्वाइल की साइज निर्धारित की जाती है, कम्यूटेटर पिच के द्वारा, या यील्ड पिच के द्वारा, बैक पिच के द्वारा, या औसत पिच के द्वारा। किसी भी मशीन के अंदर जो क्वाइल की साइज होती है वो किसके आधार पर निर्धारित की जाती है, टाइप करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 19 नंबर। अब बात आती है, उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के काम आता है, वाटर कूलिंग, हाइड्रोजन कूलिंग, ऑयल कूलिंग या एयर कूलिंग। उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के काम में आता है, तो वाटर कूलिंग आता है, या हाइड्रोजन कूलिंग, या ऑयल कूलिंग, या एयर कूलिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है क्या कहलाती है, टर्बो अल्टरनेटर, हाइड्रो अल्टरनेटर, गैसीय अल्टरनेटर या वाष्प अल्टरनेटर। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट्स जीतता है फर्स्ट प्राइज, कौन सा सेकंड प्राइज, कौन सा थर्ड प्राइज, आपके तैयारी के हिसाब से अनुभव हो जाएगा। अगर आप सभी लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे लोग जुड़ते हैं, तो नेक्स्ट जो हम टेस्ट इवेंट लेके आएंगे वो इससे बड़ा होगा थोड़ा, मतलब ज़्यादा प्राइज रख देंगे उसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हर स्टूडेंट्स को पता चले भी हम यहाँ पे क्वेश्चनों के आंसर देकर इनाम भी जीत सकते हैं साथ में। वह मशीन जो स्टीम टर्बाइन से चलती है क्या कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर। अब बताती है, एक एक्साइटर क्या प्रदान करता है, डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, एसी एवं डीसी सप्लाई दोनों, ना एसी करता है और ना डीसी करता है, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? एक एक्साइटर क्या प्रदान करता है, डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, एसी और डीसी दोनों, या ना एसी ना डीसी दोनों ही नहीं करता। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 22 नंबर, रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि,
उच्च स्टार्टिंग बलागुण टोरक प्रदान करता है या निम्न बलागुण मतलब टोरक प्रदान करता है या यह स्थिर गति प्रदान करता है या आकार में छोटा होता है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर उनके ऑप्शंस को देखिए, अपने आप माइंड में आ जाएगा वे कौन सा इसका राइट होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं और उनके हम आंसर्स पूछ रहे हैं ताकि आपको कितना याद रहता है। रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट टाइप कीजिए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आता है 23 नंबर। अब बात आती है, यदि मोटर वाइंडिंग मोटर में लोहे से बने किसी भी हिस्से के संपर्क में आती है तो क्या हो जाता है, खुला परिपथ दोष, लघु परिपथ दोष, अर्थ दोष या संधारित्र दोष, उसको क्या बोलते हैं। यानी मोटर वाइंडिंग मोटर में लोहे से बने किसी भी हिस्से के संपर्क में आती है यानी टच हो जाती है तो उसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम, फटाफट आंसर टाइप करके बताइए कमेंट में। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, साथ में आपको इसी टाइप से टेस्ट मिलेंगे और प्राइज़ भी मिलेगा अब से इसी यूट्यूब चैनल अजू एजुकेशन लाइव पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर, एक ऐसी मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है तो वह कौन सी होती है, प्रतिकर्षण मोटर, रिलैक्टेंस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर या स्टेपर मोटर। एक ऐसी मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है तो वह कौन सी होती है दोस्तों, प्रतिकर्षण मोटर होती है या रिलेक्टेंस मोटर होती है या हिस्टेरेसिस मोटर होती है या स्टेपर मोटर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 25 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा जाता है बाहरी सप्लाई से, स्टेटर वाइंडिंग से या एक दूसरे से या जम्पर तार की मदद से, मतलब ये सी ऑप्शन हो गया या डी ऑप्शन सिर्फ चलते समय मोटर से, इसमें से राइट कौन सा होगा ये आपको बताना है कमेंट में। प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा जाता है बाहरी सप्लाई से, स्टेटर वाइंडिंग से या एक दूसरे से जम्पर तार की मदद से या सिर्फ चलते समय मोटर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 26 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, अब केंद्रीय स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है यूनिवर्सल मोटर में, प्रतिकर्षण मोटर में या कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में या सेडेड पोल मोटर में। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है यानी कौन सी मोटर में किया जाता है, यूनिवर्सल, प्रतिकर्षण या कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन या सेडेड पोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 27 नंबर, वोल्टमीटर की सीमा बढ़ाई जाती है किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं हम किसी भी वोल्टमीटर की सीमा को, श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर लगाकर, शंट में मल्टीप्लायर जोड़कर या श्रेणी में कैपेसिटर जोड़कर या श्रेणी क्रम में चोक को जोड़ के, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका, वोल्टमीटर की सीमा को कैसे बढ़ा सकते हैं, श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर को जोड़कर या शंट में या श्रेणी क्रम में कैपेसिटर या श्रेणी क्रम में चोक को जोड़कर, श्रेणी का मतलब हो गया सीरीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 28, मूविंग आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टोरक समानुपात में होता है धारा के वर्ग के, धारा के या धारा के वर्गमूल के या धारा के घन के। मूविंग आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टोरक समान अनुपात में होता है धारा के वर्ग के होता है या धारा के, या धारा के वर्गमूल के या धारा के घन के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 29 नंबर, अब बात आती है मूविंग क्वाइल यंत्रों में या मूविंग क्वाइल यंत्रों के द्वारा डैम्पिंग की जाती है एडी धाराओं, हवा, तरल पदार्थों या लकड़ी के टुकड़े। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर टाइप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछते हैं आपका आंसर। तो मूविंग क्वाइल यंत्रों में या मूविंग क्वाइल यंत्रों के द्वारा डैम्पिंग की जाती है एडी धाराओं, हवा, तरल पदार्थों या लकड़ी के टुकड़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 30 नंबर, इसके आंसर बताइए, ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति पॉइंट जिसको फ्लैश पॉइंट जिसको बोलते हैं तो क्या होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री या 140 डिग्री या 180 डिग्री, टाइप कीजिए कमेंट में कौन सा आंसर होगा इसका राइट। ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु यानी फ्लैश पॉइंट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आता है 31 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार नियम के अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को, धारा के प्रवाह की दिशा को या क्षेत्र की दिशा को या चालक की दिशा को। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार
अंगूठा क्या दर्शाता है दोस्तों? क्या यह चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को, धारा प्रवाह की दिशा को, या क्षेत्र की दिशा को, या चालक की दिशा को? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर, इसका आंसर देखिए क्या होगा। अब बात आती है परिवहन वाहनों में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? डीसी श्रेणी मोटर, डीसी संट मोटर, या सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, या डीसी मिक्सेड मोटर जिसको हम बोलते हैं, जिसको कंपाउंड बोल सकते हैं। बताइए परिवहन वाहनों में कौन सी मोटर काम में ली जाती है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 33। सीलिंग पंखे की जमीन से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए भारत के नियम के अनुसार? 1.75 मीटर, 2.5 मीटर, 5 मीटर, या 0.5 मीटर? सीलिंग पंखे की जमीन से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 34। एक समान डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त परिपथ क्या कहलाता है? ओसिलेटर, फिल्टर, प्रवर्धक, या लॉजिक गेट? बताइए एक समान डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त परिपथ क्या कहलाता है? ओसिलेटर बोलते हैं, या फिल्टर बोलते हैं, या प्रवर्धक जिसको एम्पलीफायर बोल सकते हैं इंग्लिश में, या लॉजिक गेट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 35। अब बात आती है सोलर सेल होता है फोटोवोल्टिक यंत्र, फोटोचालक यंत्र, फोटो एमिशिव यंत्र, या फोटो रेडिएटिव यंत्र? इसका आंसर बताइए क्या होगा। सोलर सेल क्या होता है दोस्तों? फोटोवोल्टिक यंत्र होता है, या फोटोचालक यंत्र जिसको फोटो कंडक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में, या फोटो मिशिव, या फोटो रेडिएटिव? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 36 नंबर। गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? ये चालक में ही होता है, या अति चालक में होता है, या धातु में होता है, या अर्धचालक में होता है? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। मतलब गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, या मेटल, या सेमी कंडक्टर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 37 नंबर। एसी के किस मान को एम्पियर वोल्ट मीटर से मापते हैं? आरएमएस मान को, एवरेज मान को, मैक्सिमम, या मिनिमम? मतलब जो एसी धारा होती है, या एसी के किस मान को एम्पियर वोल्ट मीटर से मापते हैं? अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है यहाँ पे। आरएमएस, एवरेज, या मैक्सिमम, या मिनिमम? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 38। शोषक सेल में डिपोलराइजर क्या होता है? पानी होता है, या मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, या रबड़ होता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसको HCl बोलते हैं? शुष्क सेल की बात हो रही है यहाँ पे, जो प्राथमिक सेल होता है, तो उसमें डिपोलराइजर की बात हो रही है, तो वो क्या होता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 39 नंबर। अब बात आती है ECE की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, या इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइसिस, या इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट अर्थिंग, या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इक्विवेलेंट? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा ECE की फुल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 40 नंबर। लेड एसिड बैटरी के सिरे खालिस्तान के बने हुए होते हैं, लेड से, तांबे से, जस्ते से, या पीतल से? लेड एसिड जो बैटरी होती है, जिसको सीसा संचायक बैटरी बोलते हैं, तो उसके टर्मिनल्स किस चीज से बने हुए होते हैं? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 41। अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो हम एक क्या बनाने जा रहे हैं? डायोड बना रहे हैं, या पी प्रकार का अर्धचालक बना रहे हैं, या एन प्रकार का अर्धचालक, या कुचालक जिसको इंसुलेटर बोलते हैं? बताइए फटाफट, अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन के अंदर ऐड कर रहे हैं या मिक्सड कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं फिलहाल हम? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 42।
अब बात आती है, अगर टेनन शो के दांत घिस गए हैं तो उन्हें तेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेनन शो जानते हो, इस टाइप से दांते बने हुए होते हैं जो किसी प्लाई वगैरह को काटने के काम आती है, तो उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए या उसे टेम्पर किया जाना चाहिए या दांतों को गर्म किया जाना चाहिए या उन्हें जमीन पर घिसना चाहिए? बताइए, अगर टेनन शो के दांते घिस गए हो तो उन्हें तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर। अति उच्च वोल्टेज जिसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोला जाता है EHV, तो संचरण में गुच्छित चालकों से क्या मिलता है? घटी हुई लाइन संधारित्र, घटी हुई वोल्टेज प्रवणता, या घटी हुई किरीट हानि जिसको कोरोना लॉस बोलते हैं, या बढ़ा हुआ लाइन प्रतिघात मतलब इंक्रीज्ड लाइन रिएक्टेंस? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, चार पोल थ्री फेज की प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 आरपीएम पर चल रही है, तो विसर्पण गति आपको ज्ञात करनी है क्या होगी? मतलब जो स्लिप है वो आपको बतानी है मोटर की, 2940 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 1440 आरपीएम या 60 आरपीएम, बताइए। एक चार पोल थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर चल रही है और 1440 आरपीएम पर चलती है, मतलब आरपीएम हमें दे रखा है लेकिन हमें स्लिप गति निकालनी है, मतलब लॉस कितना हो रहा है हमें राउंड प्रति मिनट का, फटाफट निकालिए जिसको निकालना आता है। चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 45। अब बात आती है विसर्पण जिसको क्रिम्पिंग बोलते हैं, तो परिघटना निम्नलिखित में होती है, एमीटर में होती है, वोल्ट मीटर में, या वाट मीटर में, या वाट होवर मीटर में होती है? बताइए। विसर्पण क्रिम्पिंग परिघटना निम्नलिखित में से होती है, किसमें होती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, एमीटर में या वोल्ट मीटर में, वाट मीटर में, वाट होवर मीटर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 46, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। अब बात आती है रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए जो पावर सप्लाई होती है वो क्या होती है? सिंगल फेज 25 हर्ट्ज एसी होती है, या सिंगल फेज 50 हर्ट्ज एसी वोल्टेज होती है, या थ्री फेज 50 हर्ट्ज एसी लाइन होती है, या डायरेक्ट करंट होता है जिसको डीसी बोलते हैं? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? रेलवे यात्री कोच की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 47 नंबर। ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह है निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है, स्टार्टर के द्वारा, चोक के द्वारा, ग्लास ट्यूब के द्वारा, या इलेक्ट्रोड के द्वारा? बताइए। ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह है निम्नलिखित के द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों, स्टार्टर, चोक, ग्लास ट्यूब या इलेक्ट्रोड? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर। ऊर्जा के किसी एक रूप को ऊर्जा के किसी अन्य रूप में रूपांतरित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? धारिता, पराक्रमक, प्रतिरोधक या परिवर्तक, सॉरी प्रतिवर्तक। बताइए ऊर्जा के किसी एक रूप को ऊर्जा के किसी अन्य रूप में कन्वर्ट करने वाली युक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस, ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टर या कन्वर्टर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49 नंबर। अब बात आती है ट्रांसफॉर्मर में किस वाइंडिंग में वर्गों की संख्या अधिक होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, या हाई वोल्टेज वाइंडिंग, या लो वोल्टेज वाइंडिंग में? ट्रांसफॉर्मर में किस वाइंडिंग में वर्गों की संख्या अधिक होती है, यह आपको ध्यान रखना है और बताना है फटाफट इसके आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इस टेस्ट का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, निम्नलिखित में या निम्नलिखित के कार्य करने में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर या इनमें से कोई नहीं? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किस में किया जाता है बताइए? लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर या इनमें से कोई नहीं? चलिए कोई बात नहीं,
तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। आज की क्लास आपको कितने परसेंट अच्छी लगी, इसमें आपको परसेंटेज टाइप करने हैं ओनली। और कल शाम को 8 बजे 8 PM इसी यूट्यूब चैनल अज्जू एजुकेशन लाइव पे आना है लाइव। जितने स्टूडेंट्स ने जस्ट अभी कमेंट टाइप किए हैं उन सभी को, मतलब आपको चूकना नहीं है। उस टाइम आपको बताऊंगा कौन फर्स्ट विनर रहा है, कौन सेकंड विनर और कौन थर्ड विनर। और जो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहते हैं उनको मैं बता दूंगा, नाम अनाउंसमेंट करूंगा। और वो क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे और अपना बैंक अकाउंट नंबर या फोन पे गूगल पे जिस टाइप से या जिस मेथड से आप अपनी पेमेंट लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और इसी टाइप से आप सभी का प्यार बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। अगली बार भी हम इसी टाइप से टेस्ट लेके के आने वाले हैं, उसकी भी तारीख आपको बता दूंगा जल्दी। कल रिजल्ट के लिए ज़रूर आना। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह पे और अपने आंसर्स को कंफर्मेशन दे दीजिए ताकि मेरा यही एकदम सही था। फैला दीजिए आग की तरह इस वीडियो को ताकि हर स्टूडेंट्स को पता चल सके, वो भी इस टेस्ट में या आगे आने वाले टेस्ट में जुड़ सके हमारे साथ। ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा बेटर रिस्पांस मिलेगा, आपको भी मज़ा आएगा। थैंक यू एवरीवन। आपसी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का इस टेस्ट को देखने के लिए और देने के लिए भी।